नमस्कार, मैं हेमा कनौजिया, बीवीएम न्यूज की खास पेशकश आखिर कब तक में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारे देश में युवतियों, महिलाओं या कहे कि नारी जाति का सम्मान किया जाता है। इस सम्मान की हकीकत से हमारा समाज भली भांति परिचित है। मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरा सवाल है कि वर्तमान में ये कथन कितना सार्थक है, विशेष उन परिस्थितियों में जिसमें युवतियों पर उन्मादी लोग तेजाब तक फेंकने में कोई संकोच नहीं करते। वो एक बार भी नहीं सोचते कि उनके इस कदम से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आदिकाल से ही भारत को देवी देवताओं का देश माना जाता है। हम लोगों को अगर ज्ञान चाहिए तो हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को पूजते हैं और शक्ति के लिए दुर्गा माँ की उपासना करते हैं। लेकिन सुबह इन देवी देवताओं की आराधना करके जब लोग घर से बाहर की ओर रुखसत होते हैं तो उनकी निगाहें लड़कियों को गलत नजरिए से देखती है। जो मेरे रोह को चैन दे प्यारे दे, वो खुशी बन गए हो तुम। इस समाज में महिलाओं को हर तरह से पुरुषों के आगे झुकना पड़ता है। समाज के पुरुष महिलाओं को नीचा दिखाने और उन्हें पीड़ा पहुंचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, इसलिए उन्होंने एसिड जैसे खतरनाक हथकंडे का रास्ता अपनाया। एसिड अटैक एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि जिन लड़कियों के साथ ये हादसा होता है उन पर क्या बीतती होगी? मैं 24 साल की हूँ, जब मेरा अटैक हुआ था मैं 3 साल की थी, आज मैं 24 साल की हूँ। तो रात में 1 बजे डाला था मेरे पापा ने, और डालने के बाद में वो सब कुछ देख रहे थे, बस आसपास में ही छुपे हुए थे, वो सब देख रहे थे कि हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, मतलब कौन क्या बोल रहा है। बच्चे स्कूल जाते थे, मुझे अच्छा लगता था, मैं बोलती थी मम्मी से, मम्मी मुझे भी पढ़ना है। मेरी मम्मी एडमिशन भी करा देती थी, कुछ दिन मैडम रखती थी, फिर कुछ दिन के बाद निकाल देती, इसको दिखता नहीं है, बच्चे भी थोड़े डरते हैं, मतलब पता तरीके की बातें बनाती हैं। ठीक है, मैं नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, पर मुझे ये विश्वास था कि मेरा बुरा दिन है तो शायद मेरे अच्छे भी दिन आएंगे, और वो अच्छा दिन मेरा आज है कि मैं सिरोज हैंडमेड में जॉब करती हूँ। एसिड अटैक की वजह से कितनी ही महिलाएं और लड़कियां आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने गुस्से और बदले की भावना के चलते इस घिनौने अपराध को करने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाते। वे एक बार भी नहीं सोचते कि उनका उठाया हुआ एक गलत कदम एक लड़की को आजीवन एक जिंदा लाश की तरह जीने को
भारत में हर साल करीब 500 महिलाओं पर एसिड अटैक होता है, वहीं दुनिया भर में ये आंकड़ा 1500 है। इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। प्यार में असफलता, छेड़खानी, दहेज और जमीनी विवाद में ऐसी घटनाएं सबसे अधिक होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो यूपी, एमपी और दिल्ली में ऐसी घटनाओं का ग्राफ सबसे ऊपर है। साल 2014 में केवल यूपी में ही एसिड अटैक के 185 केस दर्ज किए गए हैं। भारत के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी एसिड अटैक की शिकार हुई कई महिलाओं ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, तो उनमें से कई लड़कियां ऐसी भी थी जिन्होंने एक फाइटर्स की तरह इस समाज से लड़कर अपनी एक नई पहचान कायम की। ऐसी ही एक फाइटर्स लक्ष्मी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस पर तेजाब का हमला हुआ था। वो भी ऐसा वैसा हमला नहीं, बल्कि वो हमला जो जिस्म के साथ साथ आत्मा भी जला देता है। इस हमले के जख्म से रिसने वाले मवाद तो एक समय के बाद बंद हो जाते हैं, मगर इसका दर्द पूरी जिंदगी रिसता रहता है। लक्ष्मी महज 15 साल की थी जब वो एसिड अटैक का शिकार हुई थी। बड़ी होकर वो एक कामयाब सिंगर बनना चाहती थी, मगर सिर्फ एक ना यानी कि एक इनकार ने उसके सारे सपनों को जलाकर राख कर दिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आखिर कब तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं बल्कि उसके जैसी कई ऐसी महिलाएं हैं जो एसिड अटैक का शिकार हो चुकी है और अभी भी हो रही है। हमारे देश की हर महिला का हमारे समाज और हमारी सरकार से बस एक ही सवाल है, आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, आखिर कब तक उन्हें इन तकलीफों से जूझना पड़ेगा, आखिर कब ये दौर थमेगा। बस यही सवाल है हमारे देश की हर एक बेटी, हर एक माँ और हमारी इस पेशकश में फिलहाल के लिए हम विराम लगाते हैं, लेकिन हमारा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ ये अत्याचार होते रहेंगे। नमस्कार।